हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज़ एनग्रेव। अनअकैडमी स्टूडियोज़ एनग्रेव में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिवस को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, और आगे भी दोस्तों मैं आपको जीए और जीएस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा। और ये ट्रिक्स आपके लिए एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली हैं। तो आगे आप पूरी जितनी भी सीरीज़ है मैं आपको चलाने वाला हूँ वो आप पूरी सीरीज़ को आप देखिए। और दोस्तों मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जितनी भी जीए और जीएस की ट्रिक्स होती हैं वो आपको मैं बताता रहूँगा। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसके लिए आप सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें सबसे ऊपर सर्च कीजिए एसएससी एनग्रेव, आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, वहाँ पर आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। दोस्तों आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीका है हर समय अपनी पढ़ाई से जुड़ने के लिए। और उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप तो यहाँ पर देखिए आपको इंडिया के टॉप्स एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप अभिनय शर्मा को भी जानते होंगे, पवन नाव सर को भी जानते होंगे, तो इन सबसे आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तो यहाँ देखिए आपको इन सभी एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ प्लस। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है इसका वो है आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़ सकते हैं। एक बार इसे ज्वाइन करने के बाद जो भी आपका पसंद का टीचर है, जिससे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप केवल उसकी वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए देखिए आप अभिनय मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको उसका जो एलजेब्रा है वो आपको उनका अच्छा लगता है, और एडवांस मैथमेटिक मान लीजिए पवन सर का अच्छा लगता है, तो आप अलग अलग टीचर से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार ज्वाइन करने के बाद केवल आप एक ही टीचर से पढ़ेंगे, आप अपने मन मर्जी के टीचर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लाइव क्लास भी चलती है जिसमें आपको इंस्टेंट डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे कि आपके टीचर्स आपके सामने ही पढ़ा रहे हों, जैसे कि असली में आप क्लास रूम में बैठे हों। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी एग्ज़ाम का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो आप अगर एक साल का लेते हैं, 12 मंथ का लेते हैं, तो आपको 470 रुपये का पर मंथ का पड़ेगा। तो ये आपके लिए पूरे साल की फ़ीस पड़ती है 5000 रुपये 12 मंथ के लिए। अगर आप यहाँ पर लॉजिक कोड अप्लाई करते हो यहाँ पर, तो आपके लिए यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल जाता है ये लॉजिक कोड यूज़ करने के बाद। तो 5000 की जगह आपको ये पड़ेगा 4500 रुपये का दोस्तों। और अगर आप कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर में स्क्रीन आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। तो अगर आप यहाँ 12 मंथ के लिए अप्लाई करते हैं तो लॉजिक कोड यूज़ करने के बाद आप यहाँ पर अगर इसे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको ये 4500 रुपये का पड़ जाएगा दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में पढ़ रहे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा टाइम होता है, तो वो 2 साल के लिए इसे खरीद सकते हैं। 2 साल के लिए आपको 333 रुपये पर मंथ का पड़ेगा और पूरे 2 साल का ये 8000 रुपये का पड़ता है। अगर आप ये लॉजिक कोड यूज़ करते हो तो आपके लिए 10% का डिस्काउंट के बाद यहाँ पर ये 8000 रुपये की जगह ये आपको 7200 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये कोड भी अप्लाई करके अपना 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिवस को याद करने की ट्रिक। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल एसएससी ही नहीं, एसएससी से रिलेटेड या एसएससी जैसे और भी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इसे शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले है यहाँ पर लुईस ब्रेल दिवस। तो लुईस ब्रेल दिवस बनाया जाता है 4 जनवरी को। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ब्रेल, ब्रेल के आपने ब्रेल के बारे में आपने नाम सुना होगा, ब्रेल लिपि। ठीक है, तो ब्रेल लिपि को कौन समझता है? जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है तो वो ब्रेल लिपि को समझते हैं। तो जिन लोगों को दिखाई नहीं देगा तो उन्हें चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई चश्मा पहनता है तो कितने लेंस यूज कर रहा होता है? 2 उनके आँखों में होते हैं, एक एक उनकी आँखों में लेंस होता है और एक एक यहाँ पर चश्मे में होता है। तो टोटल वो लेंस कितने यूज करते हैं? 4 लेंस यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, कौन यूज करते हैं? व्यक्ति, व्यक्ति को हम जन भी कहते हैं। तो 4 लेंस यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं? जन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्रेल दिवस याद कर सकते हैं, 4 जनवरी को मनाया जाता है। इससे अच्छी अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो आप कमेंट में भी शेयर कीजिए, जिससे कि और भी दूसरे स्टूडेंट को वो पता चल सके। तो आगे हम विश्व हास्य दिवस को याद करते हैं। विश्व हास्य दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए जब भी 10 जने खड़े कहीं खड़े होंगे, 10 जने अगर कहीं बात कर रहे होंगे, कौन बात कर रहे होंगे? 10 जन। तो 10 जन कहीं बात कर रहे होंगे तो हंसी मजाक की तो बातें होंगी ही। तो 10 जन अगर कहीं बात कर रहे होंगे तो हंसी मजाक की बात होंगी ही, तो हंसी से हास्य। तो यहाँ पर 10 जनवरी को हास्य दिवस मनाया जाता है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, 10 जने कहीं खड़े होंगे, 10 जन कहीं खड़े होंगे
तो हंसी मजाक की बातें होंगी ही। तो 10 जनवरी को हास्य दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसे कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, युवा दिवस, आप जानते हैं भारत के बारे में कि यहाँ पर युवाओं की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो भारत के बारे में क्या जानते हैं? 12 से 12 कि यहाँ पर जनसंख्या युवाओं की बहुत ज़्यादा है, तो 12 जनवरी, तो भारत के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या युवाओं की बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अब बात आती है विश्व युवा दिवस की, तो विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, तो जिस देश में युवा होंगे वो दो देश बहुत आगे बढ़ेगा आगे से अगस्त, ठीक है। तो 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस, इसे भी आप याद रखें। देखिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इनसे अच्छी अगर आपको ट्रिक मिल रही है तो आप उसे याद कर लीजिए, वरना आपको, देखिए, बिना ट्रिक के आपको याद करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, तो आप इसे ट्रिक से ही याद रखें। इससे अच्छी अगर आपको ट्रिक मिल रही है तो उसे आप कमेंट में भी ज़रूर शेयर करें, जिससे कि मैं उन्हें अगली वीडियो में भी बता सकूँ, ठीक है। तो विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब बात आती है थल सेना दिवस, थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है। देखिए, थल सेना होती है, जल सेना होती है, ठीक है। तो जल सेना जो होती है, जल को हम क्या कहते हैं? पानी भी कहते हैं जल को, तो पानी से आप याद रखेंगे 15, ठीक है। देखिए, सेना जो होती है अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान भी गंवा देती है, क्या गंवा देती है? जान, तो जान से याद रखेंगे हम जनवरी को, ठीक है दोस्तों। तो जल से पानी निकला था, पानी से 15, और जान से जनवरी, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों मतदाता दिवस, मतदाता दिवस याद रखें, ये आपके लिए बिना ट्रिक के भी आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों विश्व कैंसर दिवस की, तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है, कैंसर में क्या होता है, देखिए कोई भी शरीर का मांस गलने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, तो हमें उसे निकालना पड़ता है, निकालने के लिए चीर फाड़ करनी पड़ती है उस मांस के लिए, ठीक है। तो चीर फाड़ करेंगे तो चीर फाड़, तो चीर से आप याद रखेंगे 4 को और फाड़ से फरवरी को, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप याद कर लेंगे तो, ठीक है। अब बात आती है गुलाब दिवस की, तो गुलाब दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। तो 12 फरवरी यहाँ पर देखिए 12 है, 12 में अगर आप इस तरीके से इसे लिखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक ये लड़की खड़ी हो और इसे कोई लड़का गुलाब दे रहा हो, ठीक है। वरना है यहाँ पर कोई लड़की खड़ी हो मान लीजिए और इसे कोई लड़का यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर इसे गुलाब दे रहा हो, तो ये 12 बनना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 12 बनेगा, तो 12 फरवरी, गुलाब क्या है? फ्लोवर से आप याद रखेंगे फरवरी को, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे भी याद कर सकते हैं, आप अपनी नोट्स बुक में ज़रूर इसे नोट कर लें या इस वीडियो को बाद में भी देख लेना, जब भी आपका एग्ज़ाम हो उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, या जो आप इस वीडियो को देखने के बाद नोट्स बनाएंगे उस नोट्स को आप ज़रूर देख लें, तो आप 100% एग्ज़ाम में दिवस के क्वेश्चन तो कम से कम करके ही आएंगे, ठीक है। अब बात आती है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, विज्ञान, इस शब्द पर जोर दीजिए आप, विज्ञान, तो आप यहाँ पर अपना साइंस लगाइए, विज्ञान लगाइए यहाँ पर। देखिए, साल में एक महीना ऐसा होता है जो 28 फरवरी का होता है, वरना बाकी सब 30 और 31 के होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई साइंस लगाया है कि हमने ये 28 फरवरी को इसका दिवस मनाया है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये सोच सकते हैं हम, केवल एक साल में एक ही महीना ऐसा होता है जो 28 फरवरी को होता है, इसमें हम विज्ञान लगा रहे हैं, तो विज्ञान से विज्ञान दिवस यहाँ पर निकल कर आ जाता है। दोस्तों, 4 साल में एक महीना 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी का होता है, तो 4 साल में केवल एक साल ऐसा होता है कि जिस साल में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है, तो उसे हम कहते हैं लीप ईयर। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की, ठीक है। तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। देखिए, चारों ओर से अगर आपको लोग मार रहे हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए आपको लोगों को चारों ओर से मारना पड़ेगा, तो चारों ओर से मारना पड़ेगा, तो मार से मार्च, चारों से चार, तो इस तरीके से 4 मार्च, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। अब बात आती है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को।
बहुत आसान है, अगर आपके ये याद है तो आपके ये बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप इसे याद कर लेंगे। देखिए, जो नॉर्मली अगर हम किसी की सुरक्षा करने चाहते हैं तो 4 मार्च को मान लीजिए उसका सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें दुगनी ताकत लगानी पड़ेगी, दुगना हमें प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है। तो महिलाओं की सुरक्षा हमें दुगनी करनी पड़ती है, तो इसका दुगना कितना हो गया, 8। तो 4 की जगह आप 8 कर देंगे तो 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम याद करेंगे 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को आने वाले दिवसों के बारे में, ठीक है। तो इसके लिए आप एक लाइन याद कर लीजिए, गोरैया का बंजा मौसम, ठीक है। बहुत ही आसान लाइन है, कोई भी याद कर सकता है, गोरैया का बंजा मौसम। तो गोरैया से गोरैया दिवस हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, 20, 21, 22 और 23, यहाँ पर ये का जो है साइलेंट समझ लीजिए इसे। तो गोरैया यहाँ पर 20 मार्च को बनाया जा रहा है, तो गोरैया दिवस 20 मार्च को। अब है वन, तो यहाँ पर विश्व वन दिवस 21 मार्च को, ठीक है। अब इसके बाद आता है जा से, जा से क्या है, जल दिवस। तो विश्व जल दिवस कब बनाया जा रहा है, 22 मार्च को, ठीक है। अब इसके बाद आता है मौसम, तो मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जा रहा है, 23 मार्च को। तो यहाँ पर मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जा रहा है, ये तो सबसे ज़्यादा आसान था। तो यहाँ पर आप केवल अगर एक ही लाइन याद कर लेते हो कि गौरैया का बंजा मौसम, तो आपको चुटकी में चारों दिवस याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब आता है 24 मार्च, 24 मार्च को मनाया जाता है टीवी दिवस। देखिए, अगर आप घर में 24 घंटे टीवी देखोगे तो आपको मार पड़ेगी, ठीक है। तो 24 से 24 मार पड़ने से मार्च, ठीक है। तो आप 24 घंटे देखोगे टीवी तो आपको मार पड़ेगी, तो 24 मार्च टीवी देखने के लिए, ठीक है। टीवी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो। अब आती है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो स्वास्थ्य, इस शब्द को पढ़िए आप, स्वास्थ्य में 7 आ रहा होगा, ठीक है। स्वास्थ्य से आप याद कर सकते हैं 7, ठीक है। तो इस 7 को तो आप इस स्वास्थ्य से याद कर सकते हैं। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य अगर आपको ठीक होगा तो आप, अगर आप लेटे हुए होंगे तो आप उठ जाएंगे, उठ का मतलब आप अप हो जाएंगे, अप से अप्रैल, ठीक है। तो इस अप से आप याद रखेंगे अप्रैल को। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अब बात आती है 14 अप्रैल, देखिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती होती है, तो इसके लिए तो कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है, यह आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, कोई भी ट्रिक की ज़रूरत इसमें आपको नहीं पढ़नी चाहिए, बिना ट्रिक के आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आता है 22 अप्रैल, तो यहाँ पर 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको बिना ट्रिक के याद होना चाहिए। अब पढ़ते हैं हम 1 मई को, 1 मई को बनाया था श्रमिक दिवस, तो आप यहाँ पर लिखिए श्रमिक, ठीक है। श्रमिक में देखिए यहाँ पर क्या बनना है, ये एक बनना है, ठीक है, एक यहाँ बनना है और ये माँ ये बनना है, तो एक से एक और इस माँ से मई, तो यहाँ पर 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखिए आपकी, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये आपके दिमाग में इमेज की तरह बात तक बनी रहेगी, तो इससे आपको बात तक ये याद रह जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक आपको मिल रही है तो आप उससे याद कर लीजिए, ज़बरदस्ती आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम 8 मई, 8 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ठीक है। अब देखिए पक्षी में ये आप इस तरीके से लिखते हो, तो यहाँ पर ये जो बनना है ये, तो ये मैं हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये जो बनना है ये 8 की तरह बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से 8 बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो 8, इस 8 से आप याद रखेंगे 8 को, ठीक है। अब देखिए हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, मोर, तो इस माह से याद रखेंगे हम मई को, इस पक्षी से 8 को और माह से मई को, तो 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब है 3 मई, 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, ठीक है। ऊर्जा, ऊ में ये 3 सा बनना, ठीक है, ऊ हम ऐसे बनाते हैं, तो ये 3 बनना है, इस 3 से इसको याद रखेंगे हम। अगर देखिए हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो हम मर जाएंगे, ठीक है। माह से मई, इस ऊ से 3 और इस माह से मई, तो इस 3 मई को बनाया जाता है
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 29 जून की। तो 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, ठीक है, ये भी आपके बिना ट्रिक के याद होना चाहिए। और इसके बाद आता है 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम एड्स, इस ए से आप एक याद रखेंगे, डिस, जिसे दिसंबर, ठीक है। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, तो इसका आंसर इस एड्स में ही छुपा है, ए से एक, डिस से दिसंबर, बहुत आसान से आप याद कर लेंगे। अब बात करते हैं हम 14 नवंबर को, 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, ठीक है। देखिए 14 साल का बच्चा, 14 साल का बालक कौन सी कक्षा में पढ़ता है, 14 साल का बालक, देखिए अधिकतर आपने देखा हुआ जो डिफरेंस रहता है आपकी एज में और कक्षा में, वो 5 साल का डिफरेंस रहता है। देखिए 5 वर्ष का बच्चा पहुंचता है कक्षा एक में, तो अगर 14 साल का बच्चा होगा तो वो नवी कक्षा में होगा, नवी, यहाँ याद रखिए आप, नवी कक्षा में होगा 14 साल का बच्चा, तो 14 साल का बच्चा नवी कक्षा में है, तो 14 नवंबर, ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस, 14 साल का बालक नवी कक्षा में होगा, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत आसान से आप याद कर लेंगे इसे। अब बात आती है 11 जुलाई को, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। तो एक एक करके यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है, आप जानते हैं, तो एक एक करके जनसंख्या बढ़ जाती है, जनसंख्या बहुत सारी जुट जाती है, जुट से हम याद करेंगे जुलाई को, ठीक है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, आप अपने हिसाब से इसे याद कर सकते हैं। तो मुझे ये अच्छा तरीका लग रहा है इसे याद करने का, आप अगर इस तरीके से याद करना चाहते हैं तो इस तरीके से याद कर लीजिए। अब बात करते हैं हम 16 सितंबर, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है। अगर देखिए, अगर पृथ्वी पर ओजोन परत नहीं होगी तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रे हम तक पहुँचेंगी, मतलब यूवी रेज हम तक पहुँचेंगे, तो यहाँ पर एक 16 की तरह बरसेंगे, मतलब गर्म गर्म हो जाएगा बहुत, 16 की तरह बरसेंगे, ठीक है, हमें बहुत गर्म सा लगेगा, तो 16 की तरह बरसेंगे अगर ओजोन परत नहीं होगी, ठीक है, इस साल से सितंबर। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस, बहुत आसान तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।